नमस्ते, आप देख रहे हैं टॉक हिंदी न्यूज। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए वीटो का इस्तेमाल बंद होना जरूरी, निक्की हेली। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत निक्की हेली ने कहा कि सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी सदस्य बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि वीटो का इस्तेमाल न किया जाए। उन्होंने सुरक्षा परिषद के मौजूदा ढांचे में बदलावों के खिलाफ दो विश्व शक्तियों के रूप में रूस और चीन की पहचान की। अमेरिका भारत मैत्री परिषद द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में हेली ने कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार वीटो पर निर्भर है। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों में वीटो की क्षमता है। रूस, चीन, ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस कोई भी यह नहीं चाहता, तो भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने के लिए महत्वपूर्ण होगा कि वीटो का इस्तेमाल न किया जाए। उन्होंने परिषद के अध्यक्ष स्वदेश चटर्जी के एक सवाल के जवाब में कहा कि अमेरिका सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए तैयार है और हमेशा इस पर जवाब देता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अमेरिका भारत सहयोग का प्रचार करने में कांग्रेस की भूमिका पर अहम भाषण भी दिया। हेली ने कहा कि अमेरिकी कांग्रेस या सीनेट की सुरक्षा परिषद में सुधारों में ज्यादा भूमिका नहीं हो सकती। अमेरिका पहले से ही तैयार है, लेकिन रूस और चीन पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। सुरक्षा परिषद के ये दो स्थायी सदस्य कोई सुधार होते देखना नहीं चाहते हैं।